भी बहुत खुशी हो रहा है और कि अपन जो है अपने कमल भाई से मिले हैं। कुछ देर पहले सौरभ से इनकी बात हुई और भाई शायद मेरे को काफ़ी समय से मैसेज कर रहे हैं, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा था कि भाई वही है, क्योंकि यूक्रेन में शायद MBBS का भी इनका ट्रेनिंग चल रहा था और साल भर से अभी हो रहा है ना रायपुर में आपके रहना, हाँ, रायपुर में रहना साल भर से हो रहा है तो मेरा। बहुत अच्छा लग रहा है। रायपुर आने के बाद भी अपनों की कमी नहीं है, हमारे सौरभ भाई लोग तो है ही, उसके बाद भी चलो YouTube के माध्यम से इतने लोग अपने बन रहे हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, बहुत खुशनसीबी है मेरी कि भाई लोग यहाँ पे मिलने आए हैं, बस दिल गदगद कर दिए, एक अलग ही मोटिवेशन अंदर से जागा है। मॉर्निंग गाइस, फिर से वापस से एक नया दिन और वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अभी कंकालीन के एक जंगल में जो चारमा से है 15 किलोमीटर की दूरी में, और देख सकते हो चारों ओर पर जंगल। इधर साइड में मेरी गाड़ी खड़ा है और मैं सुबह 7:30 बजे मैं घर से निकल गया था और अभी बज रहे हैं 8:30, और देख सकते हो चारों पर जंगल है। और उधर देख सकते हो सीधा में एक घर दिख रहा है मस्त रेस्ट हाउस टाइप का। तो दोस्तों सामने देख रहे हो वाला जो घर दिख रहा है मस्त जंगलों के बीच बनाया हुआ है ये घर। ऐसा घर में मेरे को भी रहने का मन करता है, क्योंकि मस्त शांत और पर्यावरण के बीच में रहने का आनंद ही कुछ अलग है। सामने देख सकते हो मस्त दिख रहा है वो घर, ऐसे मस्त शांत जगह में अकेला घर है। इधर भी देख सकते हो पूरा सुनसान जगह है, गाड़ी वाड़ी चलता है बहुत कम चलता है, लेकिन चारों ओर पर जंगल ही जंगल है। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर, भेवेन के घर। मैं सुबह जल्दी निकल गया था तो अभी पहुँचा हूँ कंकालीन के जंगल में, तो अभी अब निकलते हैं फिर अपने दोस्त के घर के लिए, वहाँ जाके मिलते हैं। जो आप सामने देख रहे हो शिवलिंग के जस्ट नीचे तालाब टाइप का दिख रहा है, छोटा सा ये तालाब नहीं है भैया, ये तो खारून नदी का उद्गम स्थल है जो कि धमतरी से 40 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये सीधा जाके रायपुर महादेव घाट में मिलती है। और ये कंकालीन का यहाँ सबसे पहले मेला लगता है, इसको देव मेला बोलते हैं, इस जगह को यहीं लगता है मेला। तो आप लोग थंबनेल देख के ही जान गए होंगे कि मैं किससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो पहले मैं जाऊँगा बहन भाई के घर, बहन भाई के साथ ही अपन दोनों निकलेंगे रायपुर के लिए। और सामने आप लोग देख सकते हो मस्त जंगलों के बीचों में मस्त रोड गया हुआ है, सुनसान एरिया है, बहुत कम गाड़ी चलती है इस साइड। ऐसे एरिया में राइड करने का मज़ा ही कुछ अलग है, आनंद आ जाता है भाई मस्त पर्यावरण के बीचों, पेड़ पौधों के बीचों बीच राइड करते हुए। मैं पहुंच चुका हूं भेवेन भाई के पास, साइड में अपने बैठे हैं भेवेन भाई, उसका बाइक है डिलेक्स, तो बोलना चाहते हैं। बोलिए भेवेन भाई, कुछ कैसे हो सब? शर्मा रहा है लगता है लड़का, बहुत दिन के बाद मिले हैं भाई, लास्ट अपना 2 वीक हो चुका था मिले थे तो। और अभी हम निकल रहे हैं भेवेन भाई के साथ रायपुर, दोनों इसी बाइक में भेवेन के, तो चलिए चलते हैं हम रायपुर के लिए। जो आप लोग सामने स्कूल देख रहे हो, यहाँ भेवेन भाई अपना पढ़ाई पूरी की है 9th क्लास से 12th क्लास तक की। तो हम लोग अभी रामकृष्ण हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं बेविंद भाई के साथ, और अपन लोग OPD का स्लिप कटवा ली हैं देख सकते हो, और एक्सरे का भी, तो भी जाएंगे एक्सरे करवाएंगे फिर मिलते हैं आप लोग से। अपना एक्सरे तो हो गया, अब अपन जाएंगे OPD में, OPD जाएंगे, OPD का स्लिप कट चुका है। अब बेविंद भाई इधर बैठ के वेट कर रहे थे तो अपन अब निकलते हैं OPD के लिए, OPD में जाके चेक करवाएंगे। चल भाई बेविंद निकलते हैं, अब इसको डाल दे अंदर, चलो फाइनली मैं जिससे मिलने आया था उसको अभी मैं मिलाने जा रहा हूँ। ये अपने हैं जितेन भैया और पीछे है सौरभ भैया। तो मैं 1 साल से जितेन भैया से मिलने की कोशिश कर रहा था, यूक्रेन में था तब से, और अभी आज जाके मैं जितेन भैया से मिला, मेरे को बहुत ही खुशी लग रहा है भाई, क्योंकि मैं जितेन भैया से मिल पाया हूँ। मेरे को भी बहुत खुशी हो रहा है कि अपन जो है अपने कमल भाई से मिले हैं, कुछ देर पहले सौरभ से इनकी बात हुई और भाई शायद मेरे को काफ़ी समय से मैसेज कर रहे हैं, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा था कि भाई वही है, क्योंकि यूक्रेन में शायद MBBS का भी इनका ट्रेनिंग चल रहा था और साल भर से अभी हो रहा है ना रायपुर में आपके रहना। हाँ, रायपुर में रहना साल भर से हो रहा है मेरा। बहुत अच्छा लग रहा है रायपुर आने के बाद भी, अपनों की कमी नहीं है, हमारे सौरभ भाई लोग तो है ही, उसके बाद भी चलो YouTube के माध्यम से इतने लोग अपने बन रहे हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, बहुत खुशनसीबी है मेरी कि भाई लोग यहाँ पे मिलने आए हैं, बस दिल गदगद कर दिए, एक अलग ही मोटिवेशन अंदर से जागा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे भी अहो दिन भाग्य हमारे जो बोलते हैं ना, जितेन भैया और सौरभ भैया से मुलाकात हुई हमारी, तो मेरे को यही सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इतना दिन के बाद
अंदर से नर्वस भी लग रहा है कि क्या बोलूं और कुछ कुछ नहीं निकल नहीं रहा है, लेकिन अब फिर भी समझ सकते हो आप सब। और पीछे अपना भेवन भाई भी खड़ा हुआ है, दोनों साथ में आए थे अपन लोग। बहुत बड़ी बात है कि भाई जो है एक इतना अच्छा मतलब जो है MBBS के ट्रेनिंग के साथ साथ भी यूट्यूब को एक समय दे रहे हैं, मतलब अपनी यादों को संजोने का एक बहुत अच्छा जरिया बना के रखे हैं। और भविष्य में जो भी ये सब दिन जो चल रहा है भाई, जब बहुत बड़े पोस्ट में आ जाएंगे तो इन सब दिनों को याद करेंगे। तो यही एक यूट्यूब का जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म का एक यूज़ करने का तरीका, तो कई लोग पैसे कमाने में भी करते हैं और अपने और कई लोग अपनी यादों का और कई लोग अपनी यादें कमाने के लिए भी करते हैं। तो भाई का अच्छा है अपनी यादों के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। तो भाई को आप लोग भरपूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, फुल बिग थम्स अप दीजिए। और भैया का डायलॉग के साथ जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। भैया से मिलने के बाद हमें भेवन भाई के साथ आया लस्सी पीने के लिए, देख सकते लस्सी का आनंद लेते ले रहे दोनों भाई। और पीने के बाद भाई दिन भर हो गया हम लोग एकदम हालत खराब हो गई गर्मी के कारण, तो लास्ट में हम लोग घर जाने के टाइम ये लस्सी पी रहे हैं। इसका आना जाते हैं हम लोग, अभी हो सकता है दीदी निकलेंगे वहाँ, तो अभी लस्सी खत्म करते हैं फिर मिलते हैं। बाय।